समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के सामने अपनी रणनीति लगभग स्पष्ट कर दी है। यह रणनीति भी साफ है कि जनता के सामने अपने विकास का एजेंडा स्पष्ट तौर पर रखा जाए और विपक्षी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को भी बेनकाब किया जाए। इसी रणनीति के तहत अमित शाह ने रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सीएम भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए ATM बनने का काम किया है। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का ATM बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, ये भगवान राम का नैनिहाल है। हम छत्तीसगढ़ को ATM नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए अंगूठा छाप प्रणाली शुरू की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। शाह ने कहा कि BJP ने गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों का राशन छीनने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये तय करना होगा कि वो किसका समर्थन करेंगे। वे इस भूपेश बघेल सरकार का समर्थन करेंगे जिसने आदिवासियों की सुरक्षा का वादा किया था और जिसके कार्यकाल में धर्म परिवर्तन की लहर थी, या उस भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे जो आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करती है। भूपेश बघेल की सरकार जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय महासम्मेलन को भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और छत्तीसगढ़ की बात नहीं, राजस्थान में भी BJP चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना